भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पंजाबी सिंह मिलिन काबा को हाल ही में बिग बॉस ओटीटी से बाहर कर दिया गया। बीते सैटरडे का वॉर एपिसोड में होस्ट करण जौहर ने सभी को चौंका दिया कि जब उन्होंने घोषणा की कि एक नहीं बल्कि इस बार डबल एलिमिनेशन होने वाला है। उन्होंने घोषणा की कि अक्षरा सिंह और उनके कनेक्शन मिलिन काबा को घर से बेघर किया जा रहा है। बिग बॉस ओटीटी से बाहर आने के बाद अक्षरा सिंह ने कई चीजों को लेकर खुलासा किया है। अक्षरा सिंह को लगता है कि उनका एलिमिनेशन प्री प्लान था। अक्षरा सिंह ने शो में होस्ट करण जौहर को बाइस्ड कहा है। इतना ही नहीं, अक्षरा सिंह ने ये भी कहा कि शमिता शेट्टी को वीकेंड का वॉर एपिसोड में सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। बिहार तक के साथ बात करते हुए भोजपुरी एक्ट्रेस ने ये पूछे जाने पर कि क्या करण जौहर बाइस्ड थे, उन्होंने कहा जो डिसीजन वो है वो बाइस्ड है। मैंने अक्सर देखा है कि वीकेंड का वॉर पर शमिता शेट्टी को सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिला है। उनकी बातों से बर्ताव से ऐसा फिक्स लग रहा था कि शमिता शेट्टी और चार लोग एंड तक जाने वाले हैं। अक्षरा ने ये भी कहा कि उनका एलिमिनेशन प्री प्लान था। एक्ट्रेस ने बताया है कि मुझे ये लगता है कि पहले से प्लान था कि मुझे ये हफ्ते ये दिन निकाल देना चाहिए, तो इन्होंने निकाल दिया, वो भी ब्लेम करके 15 दिन पहले की बात को लेकर। मुझे जानबूझकर नेगेटिव बना दिया गया और इनका प्री प्लान था कि ये दिन पे इसे निकालना है, तो साथ में दो लोगों को निकाल दिया जाए। वेल दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, अक्षरा सिंह के इन बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।